राजनांदगांव में रेलवे ट्रैक अपग्रेडेशन कार्य के चलते एक माह के लिए करीब 2 दर्जन एक्सप्रेस एवं लोकल ट्रेनों को रेलवे ने कैंसिल कर दिया है। स्थानीय स्टेशन से गुजरने वाली कई लोकल ट्रेनों को पहले ही बंद रखा गया है। अब रेलवे के इस फैसले के बाद लोगों में नाराजगी और आक्रोश की स्थिति निर्मित हो गई है। एक ओर जहां रेलवे द्वारा लगातार एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के कारण बसों में यात्री किराया बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब नौकरी पेशा दैनिक यात्री अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए मजबूरी में अपने स्वयं के साधनों का उपयोग कर रहे हैं, तो वही अब रेलवे के इस निर्णय से इन यात्रियों को आगामी दिनों में और ज्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। आपको बता दें कि इस क्रम में आज राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में रेलवे प्रशासन द्वारा किए गए इस फैसले के विरोध में आवाज मुखर होना भी शुरू हो चुका है, जहां आज बड़ी संख्या में शहरवासियों ने रैली निकालकर रेलवे प्रशासन के इस निर्णय का विरोध किया और स्थानीय SDM कार्यालय पहुंचकर SDM गिरीश राम टेके को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से आम जनता ने यह मांग की है कि बड़ी संख्या में डोंगरगढ़ शहर से रोजाना यात्री बाहर आना जाना करते हैं, जिन्हें अब इन ट्रेनों के कैंसिल होने से परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिसे लेकर उन्होंने मीडिया के माध्यम से भी रेलवे प्रशासन से इस ओर सकारात्मक पहल करने की अपील की। 24 तारीख से जो ट्रेनें चल रही थी वो भी टोटल बंद हो गई है, लोकल ट्रेनें, जिसमें लगभग नहीं करते करते डोंगरगढ़ से मूसरा से लगभग कम से कम 2000 लोग अप एंड डाउन करके अपना जीवन यापन करते हैं, स्टूडेंट अपने शिक्षा प्राप्त करते हैं और कई सुख दुख की राहों में इस ट्रेन का उपयोग जो है हमारे शहर के लोग करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये हम सब के लिए बहुत दुख का विषय है। तो इस विषय को अनुभागीय दंडाधिकारी हमारे SDM रामटेके जी फ़ोन के माध्यम से उनको मैं अवगत कराया कि हम दैनिक यात्री संघ हैं जो आपको एक ज्ञापन देना चाहता है, तो वो कलेक्टर के बैठक में तो बोले मैं 11 बजे 12 बजे के आसपास आप आइए, मैं आपका ज्ञापन लूँगा। तो शांति एक मार्च निकाल के रेल विभाग को हमने SDM साहब के माध्यम से राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है और निश्चित तौर पर उन्होंने भी इसमें थोड़ा सा सपोर्ट करने की सहायता करने की जितना मेरे से हो सकता है करने का आश्वासन दिया है और हम आपके माध्यम से सभी मीडिया भाई हमारे आप सब के माध्यम से रेल विभाग को ये निवेदन करना चाहते हैं कि ठीक है आपकी किसी भी प्रकार की मेगा ब्लॉक करके कोई भी जनता के लिए ही काम चल रहा होगा, हम सहमत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एकाध आप लोकल ट्रेन ये क्या बोलते हैं आज नगरवासियों द्वारा ट्रेनों के संबंध में कुछ पैसेंजर ट्रेनें हैं, एक्सप्रेस ट्रेन और सुपरफास्ट ट्रेन हैं जिनका संचालन सुचारू रूप से चालू हो, इसके लिए मांग रखी गई है और साथ ही में कुछ ट्रेनें अभी हाल फिलहाल में बंद हुई हैं उनको वापस से चालू करने की मांग इनके द्वारा रखी गई है और इसको हम लोग आगे शासन स्तर पर इसको भेजेंगे और जो भी डिसीजन लेना है ऊपर से होगा तो देखते हैं फिर इसको आगे।